दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय एलिगेंजा ब्यूटी सलून अपोजिट डाइट रानीताल रोड नाहन। नहराधार के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेर तंदुला व ग्राम पंचायत गवाही में 7 दिन पहले 2 ट्रांसफार्मर जलने से करीब 67 घरों में अंधेरा पसरा है। जानकारी के अनुसार सेर तंदुला पंचायत में ट्रांसफार्मर जल जाने से सेर तलियुड़ी टापड़ में करीब 49 घरों के लोग अंधेरे में रह रहे हैं। इसी तरह गवाही पंचायत के कुफर टोंडा में करीब 18 घरों के लोग भी अंधेरे में बिना बिजली के रह रहे हैं। लोग मीलों दूर मोबाइल चार्ज करने के लिए भटक रहे हैं। बिना बिजली के लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। ऐसे में बिजली न होने से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये जी शेर गांव के लोग खड़े हैं जी, और यहाँ ट्रांसफार्मर जो है वो काफी दिनों से बंद है और लोगों को समस्या आ रही है जी बहुत ज्यादा। और कितने दिन हो गए जी? कम से कम 10 दिन हो गए जी कम से कम। और कोई बिजली विभाग अनदेखी कर रहा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लाइट मिले हमारे लोगों को। और ये आपके सामने ही है जी, लाइट नहीं है यहाँ, लाइट के बिना 10 दिन अंधेरे में खड़े हैं। और कृपा करके लाइट का प्रबंध जल्दी जल्दी करें, जो भी बिजली विभाग है उनसे रिक्वेस्ट है। कई बार फोन कर चुके और फोन भी कई बार कर चुके लोग, और मैं धन्यवाद करूंगा अगर बिजली कल या परसों लोगों को मिल जाए। यहाँ लस्सी की समस्या आ रही और कई समस्या आ रही जी, बहुत ज्यादा समस्या आ रही लोगों को। और अब मेरे वार्ड के लोग है ये, और मैं संजीव कुमार जी इस वीडियो को आपके सामने भेज रहा हूँ। और इस बिजली की लगाने की कृपा करें, धन्यवाद जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट।